हाय एवरीवन, आई एम जरक शाज़े फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को 15 अगस्त का ग्लास रूम बनाना सिखाऊंगा। कल मैंने यार 14 अगस्त का ग्लास रूम बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है और सिंपली आप लोगों ने न्यू टेक्स्ट यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप कर देना। तो यहाँ पर मैं कोई भी नेम लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं रोजी नेम टाइप कर लेता हूँ। आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर रोजी मैंने लिख लिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि सिंपली इस पर ये वाला फॉन्ट लगा लेना है। इस फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने आना स्पेस में, तकरीबन आप लोगों ने 5 पॉइंट तक स्पेस देनी है। अब आप लोगों ने करना है कि सिंपली यहाँ पर बेजर में आना है, बेजर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आना है और टेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर तकरीबन इसको बिल्कुल इसके साथ एडजस्टमेंट कर देना है। तकरीबन ये बिल्कुल नेम के साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी कर्व जो है ना, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा संभाल कर देना, तकरीबन ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ऐसे लगा लेना क्योंकि वो यार ज़्यादा मतलब टेढ़ी थी। तो आप लोगों ने ये वाला इसको सेलेक्ट करना है और इस नेम को आप लोगों ने ऐसे एडजस्टमेंट करना है और फिर सिंपली इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। और अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आना है और इसको मर्ज डाउन कर देना है। मर्ज डाउन करने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि सिंपली यहाँ पर अरेज कलर में आना है और इसको इनेबल कर देना है। वन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर देना, ओके कर देना, टोली लेंस फॉल कर देनी है। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों ने शेप में आना, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करके अल्ट्रा में आना और सेव टू गैलरी कर देना। अब आप लोगों ने अडोब फोटोशॉप टच में, अब फ्रेंड यहाँ पर मैं पीएस टच में आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करनी, फोटो लाइब्रेरी में आ जाना और वो फोल्डर ढूंढना जिसमें आप लोगों की पैक पड़ी। मेरी पीएससीसी वाले फोल्डर में पैक पड़ी, इसमें पैक ले लूँगा। तो बाकी यार जो दो ग्लास वन पहले मैंने आप लोगों को 15 अगस्त के बनाकर दिखाए थे यार, वो थोड़ा सा और डिज़ाइन था। ये एक नया स्टाइलिश डिज़ाइन मैंने बनाकर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आया हूँ ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो आप लोगों ने ये न्यू डिज़ाइन वाला ग्लास वन ज़रूर बनाना है। तो बहुत कमाल का ग्लास वन टैप आप लोगों ने करना है, सिंपली पिक्सल लैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना और अपना नेम रोजी वाला यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। अच्छा, इस पेक को थोड़ा सा जूम करें और नेम को ऐड कर लें, तकरीबन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर रखना है। और इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है और फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना और लेटिंग में आना है। इस एरो को पकड़ कर ऊपर ले जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना है। अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है, फिर सेकंड लेयर में आ जाना है और एफ एक्स में आना और ड्रॉप एंड शेडो में आना, जो सेटिंग है वही रहने देनी। और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर थर्ड लेयर में आ जाना है, एफ एक्स में आना और बेवल में आ जाना है। अब आप लोगों ने ब्लर 30 पे कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस है भी 30 पे कर देनी है। पहला एंगल आप लोगों ने 180 पे करना है, कलर आप लोगों ने ब्लैक कर देना है। ठीक है, और इस पर आप लोगों ने दूसरा बेवल जो है 135 पर रखना है और इस पर एक दफ़ा फिर बेवल लगा देना है। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लाइटन कर देना है, फर्स्ट लेयर में आना है। ठीक है, और आप लोगों ने एफ एक्स में आना और ग्लो में आ जाना है। यहाँ पर 0.6 आप लोगों ने इसका ब्लर करना है और कलर वाइट कर देना है, फिर आप लोगों ने इस पर ग्लो लगा लेनी है। ठीक है, और फिर इस पर ग्लो लगा लेनी है। अच्छा, इतना होने के बाद अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सेलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करना है, मोड प्लस करना है, टोले जान 30 पे होनी चाहिए, कंटिन्यूस की टेक ऑन होनी चाहिए। अब आप लोगों ने ऊपर वाला पार्ट आप लोगों ने मेरा भाई सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली करना है कि एंड वाले ऑप्शन में ना, फिल्म स्ट्रोक में ना और कलर में ना, और कलर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर देना। मैं ये वाला कलर रखूँगा जो इसके झंडे में है। फिर आप लोगों ने मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है और बीच में आप लोगों ने ये पार्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके के साथ पता होगा, इसमें मतलब भाई वाइट कलर आ रहा है। आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आना, एंड वाले ऑप्शन में आना और फिल एंड स्ट्रोक में आना और नॉइज़ ले लेना और कलर सिंपली मेरा भाई वाइट आप लोगों ने कर देना है। अब आप लोगों ने अमाउंट जो 31 पर रखनी है। अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने इसी मतलब मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट रखना है, नीचे वाला पार्ट को सिलेक्ट करना है, इसमें कलर कौन सा डालना है आप लोगों ने, ग्रीन। अच्छा, अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, एंड वाले ऑप्शन में आना, फिल एंड स्ट्रोक में आना है और फिल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर ये वाला इस पर लगा लेना है कलर। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है, अच्छा फ्रेंड इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट रखना है और पेंसिल में आना है और सिलेक्ट पिक्सल कर देना है, फिर पेंसिल में और ट्रांसफार्मर में आना, एक्सपेंड पे क्लिक करके इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोगों ने इसकी एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में और फिल एंड स्ट्रोक में आना, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक लेनी है और कलर वाइट करना है और इसका ब्लेंड मोड ये आप लोगों ने 6 पे कर देना है। अच्छा, इतना होने के बाद पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है, एफ एक्स में आना और बेवल में आ जाना है। ब्लर आप लोगों ने 15 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस ये भी 15 पे, कलर आप लोगों ने वाइट कर देना है और इसका एंगल पहला 180 पे कर देना है और जो दूसरा एंगल है ना ये आप लोगों ने कितना करना है, 45 पे करना है और जो तीसरा एंगल है ये आप लोगों ने 135 पे कर देना है। फिर टू लाइंस पे आना है और कर्व्स पे आना है, कर्व्स की आप लोगों ने यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और इसको ऊपर कर देना है। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, फोटो में आना और सनी आफ्टर नून ले लेना, तो ये गोल्डन लाइन बन जाएगी। अब हमारी लारे पीएनजी रहते हैं तो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ।
तो बाकी फ्रेंड ये वाला पी एन जी मैंने ले लिया। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली इसको यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है और दूसरा आप लोगों ने इसका ये वाला पी एन जी ऐड कर देना। जितने पी एन जी मैं यूज़ करूँगा सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों ने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे लगाने के बाद एक लास्ट पी एन जी मैं ले लेता हूँ और उसको भी यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लगाया और फिर अगर आप मतलब और लगाना चाहें तो आप लोगों ने कैसे लगाना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा इसको जूम करना है, इसको तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों ने रख के यहाँ पर रखना है। फिर आप लोगों ने पेंसिल बनाए इसकी कॉपी करनी, फिर पेंसिल बनाए इसको पेस्ट कर लेना। पेस्ट कहाँ पर करना है, यहाँ पर। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने लाइट में आना है। लाइट इस पर लगानी है तो आप लोगों ने करना कि सिंपली लाइट वाले ऑप्शन में आ जाना है। लाइट वाला फोल्डर यहाँ पर होगा तो लाइट में ले लेता हूँ। लाइट लेने के बाद आप लोगों ने करना कि सिंपली यहाँ पर आप वाइट येलो दोनों लाइट लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक है तो आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। एंड वाले ऑप्शन में ट्रांसफार्मर से पकड़कर किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। छोटा बड़ा यहाँ पर आप इसको छोटी बड़ा लाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर येलो लाइट लगा लेनी है, ठीक है। येलो लाइट लगाने के बाद आप लोगों का बिल्कुल अमेजिंग तरीके से यहाँ पर ग्लास फ्रंट रेडी हो जाता है। यहाँ तक मैं इसको लगा लेता हूँ, किसी भी जगह पर आप लाइट लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ग्लास फ्रंट रेडी है। अब आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर देना। फ्रेंड आज हमारी बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।